हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बोटनिक ब्लाउज़ के बैक पार्ट का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पर मैं 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करके आपको बताऊँगी बैक पार्ट की। यहाँ पर हम फैब्रिक फ्लावर और बोट आई के साथ ब्लाउज़ को रेडी करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। इसके बाद अपने हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको अच्छे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर इसकी रेडी लेंथ है 14 इंच, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 15 इंच। यहाँ पर 15 इंच का इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और उसको सीधा कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद शोल्डर्स के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर बॉट नेक के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ तो ले रही हूँ शोल्डर 7.5 इंच, और आर्मूल की लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर आपकी साइड इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट की फिटिंग के लिए लगाएंगे 9.5 इंच पर, और कमर के लिए लेना है कमर का 4 पार 7.5 इंच। 1 इंच नीचे की साइड हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड और नीचे की साइड लेकर दोनों निशान को मिला लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आर्मोल के लिए लेंगे 1 इंच, और यहाँ पर आर्मोल के लिए इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर्स को डाउन देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बाकिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी लाइनिंग के फैब्रिक कटिंग हो चुकी है और मेन फैब्रिक में से भी हमें इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हमारा जो इसका नेक है उसकी कटिंग करेंगे। बुकरम को यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर 4.5 इंच बॉट नेक के लिए, और डीपनेस यहाँ पर ले रही हूँ 11 इंच। नीचे के साइड से लेंगे हम यहाँ पर 5 इंच और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर मिला लेंगे। इसके बाद ऊपर से एक मार्क करेंगे यहाँ पर हम 3.5 इंच पर, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से बॉट नेक की शेप देंगे, और नीचे की साइड हमें इस तरीके की यहाँ पर शेप देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ हाफ इंच का इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी इसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर की साइड से भी हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर इस पर अच्छे सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपल बुकरम ली है, इसको रखकर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और साइड में हाफ हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ दिया है मार्जिन के लिए, और दोनों साइड यहाँ पर इस तरीके से हम कट लगा लेंगे और इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके पूरे ही नेक पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है और इस पर सेंटर का निशान भी यहाँ पर लगा लिया है, और ब्लाउज में मैंने इनर को भी ज्वाइंट कर लिया है और इस पर भी इसी तरीके से सेंटर का निशान लगा लिया है। दोनों के निशान को मिलाते हुए हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस पर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेंटर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद एकदम बुकरम के जस्ट साइड में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, एकदम बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरे गले पर।
बुकरम के साइड में ही हमें यहाँ पर पूरे गले पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हाफ हाफ इंच को फैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ से भी इस तरीके से अंदर की साइड भी हाफ हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से कट लगाने हैं पूरे ही गले पर। कट लगाने के बाद ही बहुत ही आसानी से सीधा हो जाएगा, हम इसे बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं। यहाँ पर कट लगा लिए, इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब किसी भी चीज की हेल्प से इसको बाकी साइड को इसके कोने को इस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से पूरे गले को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे, अच्छे से बाहर के साइड कोनों को निकालते हुए। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले को सीधा कर लिया है। इसके बाद इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने गले पर फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड सेंटर का इस तरीके से कट लगा लेंगे। इसके बाद टक्स के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो फोल्डेड साइड से लेंगे 3.5 इंच, ऊपर की साइड लेना है हमें 4 इंच और हाफ हाफ इंच का इस तरीके से दोनों ही साइड यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम लेंगे 3.5 इंच, ऊपर की साइड लेंगे 4 इंच और दोनों साइड हाफ हाफ इंच का इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इसको टक्स को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे फैब्रिक को और यहाँ पर टक्स पर हमने जो शान लगाए हैं टक्स के उस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है हमें टक्स की। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट पर इस तरीके से यहाँ पर टक्स भी सिलाई लगा ली है। दोनों ही टक्स यहाँ पर एकदम हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए मैंने स्ट्रिप ली है, इसको मैंने ऊपर वाली साइड से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको बैक साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। बाद में मैं इस पर यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। इस तरीके से ऊपर की साइड पलटते हुए इस पर रफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे की साइड भी इसको नीचे से रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इस पर लगाने के लिए फ्लावर और जो हमें टाइप वो है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड्स पर तुरपाई कर ली है। यहाँ पर मैंने ये 3x3 इंच का स्क्वायर पीस लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सुई धागा लिया है। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे टाके लगाते हुए इस तरीके से सुई में यहाँ पर इस तरीके से डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 पीस लिए हैं। सभी को उसी तरीके से फोल्ड करते हुए तो छोटे छोटे टाके लगा लेने हैं हमें यहाँ पर।
सभी पीस पे इसी तरीके से टाके लगाने हमें। तो यहाँ पर इनको डालने के बाद इस तरीके से धागे को खींचना है। अच्छे से इसको सेट करते हुए सभी पत्तियों को धागे को खींचते हुए यहाँ पर इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। उसके बाद इस पर अच्छे से यहाँ पर टाका लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर फ्लावर एकदम रेडी है। इसके सेंटर पर आप चाहो तो कोई भी बटन या कुछ भी लगा सकते हो। अच्छे से इसको पक्का कर लेना है हमें। यहाँ पर मैंने ये पॉम्पम ली है। आप चाहो तो यहाँ पर अगर फैब्रिक बटन या कोई भी फैंसी बटन भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरीके से पॉम्पम को अच्छे से यहाँ पर पक्का कर इस पर अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर एकदम रेडी है। इसके बाद मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 5 इंच और इसकी विड्थ है 16 इंच। इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बाद इसकी 3 साइड यानी कि तीनों तरफ हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि एक साइड तो उसकी फोल्डेड हो गई। यहाँ पर हमें तीनों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसके सेंटर पर इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे। कट लगाकर इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सीधा कर लेना है। इसके कोनों को अच्छे से बाहर की साइड इस तरीके से निकालते हुए इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद ही मैंने टाई के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 4.5 इंच और विड्थ है 19 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड यहाँ पर हमें एकदम तिरछी सिलाई लगानी है और यहाँ पर सेंटर का यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो सीधा करने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है और इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। उस तरीके से कट लगाने हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर हमने ओपन रखा है दोनों साइड से इस तरीके से यहाँ पर निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इसको सीधा करना है और यहाँ से जो ओपन है इस पर भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस पर अच्छे से हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पर आयरन कर लिया है और बॉब पर यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर का यहाँ पर निशान लगा लिया है। सुई से यहाँ पर सुई धागा लेकर इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर छोटे छोटे टाके लगाने हैं। इस तरीके से यहाँ पर फिर धागे को खींच कर इस तरीके से बॉब को तैयार कर लेंगे। अच्छे से पक्का कर इस पर हमें यहाँ पर टाके लगाने हैं। एक से बैक पार्ट पर इस तरीके से इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसके बाद अच्छे से इसको सेट करते हुए इस पर हम अपनी टाई को अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इस पर भी यहाँ पर हम टाका लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अच्छे से पक्का करते हुए तो यहाँ पर हमारी जो टाई है वो एकदम तैयार है, बो टाई। और फ्लावर भी हमारा एकदम रेडी है। यहाँ पर दोनों को अब हम यहाँ पर अपनी ब्लाउज पर अटैच करेंगे।
बो टाई को हमें नीचे की साइड रखना और फ्लावर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस जगह हमें यहाँ पर इसको रखना है ऊपर की साइड। इस तरीके से सुई धागे से हम यहाँ पर इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से तरीके से सुई को निकालते हुए और नीचे की साइड भी हमें यहाँ पर तरीके से बो को रखना है। फ्लावर हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद बो को लगाने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटर की मार्किंग कर लेंगे और सेंटर पर अपने बो को रखेंगे यहाँ पर और इस पर भी सुई धागे से अच्छे से टाके लगा लेंगे। सुई धागे से अच्छे से इसको पक्का कर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अच्छे से बैक साइड पर इसको पक्का कर धागे को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ब्लाउज एकदम रेडी है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज का बैक पार्ट है वो एकदम तैयार है बो टाई और फैब्रिक फ्लावर के साथ। तो इस तरीके से ब्लाउज के बॉटनेक का हमारे यहाँ पर डिज़ाइन एकदम तैयार है। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाकर किसी भी सिंपल से ब्लाउज को पार्टी वेयर लुक दे सकते हो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।